नेशनल कमीशन फॉर द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल 2021 पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं हमारे लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला सर की स्पीडी रिकवरी की कामना करते हुए अपनी बात आगे रखती हूँ। सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू रिपीट द पॉइंट्स दैट हैव बीन ऑलरेडी रेज्ड बाय माई कोलीग्स, पर मैं इस माध्यम से, आज इस प्लेटफॉर्म से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, सारे डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना के खिलाफ इस वॉर में अपना योगदान दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पर ये लड़ाई जिनके बगैर बिल्कुल भी अधूरी रह जाती, इन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का जो महत्व है वो हमें इन कोरोना के टाइम पे समझ में आया है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ सर क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मेरे सहयोगी जो यहाँ पे है, जो खुद अपनी MBBS की या उसके बाद की भी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वो भी जानते होंगे कि मेडिसिन पढ़ते समय सर अलाइड ब्रांचेस को देखने का एक अलग ही नज़रिया रहता था। आई वुडंट से दे आर लुक डाउन अपॉन बट दे नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो मेरी ब्रांच भी मेडिसिन की अलाइड ब्रांच है। हम लोग आज तक इनको बहुत महत्व नहीं दे रहे थे, पर इस बिल के माध्यम से आज इन लोगों की समस्याओं को एक महत्व देके उनकी समस्या सुलझाने की तरफ एक बहुत बड़ी पहल है। कोरोना के दौरान हमें समझ में आया है कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या महत्व है, न्यूट्रिशनिस्ट का क्या महत्व है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट कितने हमारे ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। जो लोग कोरोना से निकल करके बाहर आए हैं उनको भी इनका महत्व आज इस दौरान समझ में आया होगा। और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन बनाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं जो आगे आए हैं, उनके माध्यम से आज हम ये अलाइड प्रोफेशनल्स का महत्व समझ रहे हैं। सर, मैं एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुंबई जैसे शहर में जब रहते हैं और प्राइवेट लैब्स में अगर हम फ़ोन करके घर पर किसी को बुला रहे हैं स्वैब लेने के लिए, तो फ़ोन पे हमें बताया जाता था कि आज जो हमारा टेक्नीशियन है वो बिज़ी है और उसके अलावा और कोई टेक्नीशियन ये काम कर नहीं पाएगा। तो जहाँ हम एक तरफ पूरे देश में ज़्यादा लैब्स हों, ज़्यादा सेंटर्स हों, ये मांग सरकार के सामने आ रही थी, वहीं पे ये सारी लैब्स और ये सारे सेंटर्स में काम करने के लिए इन प्रोफेशनल्स को तैयार करने का भी एक चैलेंज सरकार को झेलना पड़ा। और अच्छी तरीके से हम लोग ये चैलेंज को ओवरकम करके, मुझे लगता है, इस स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर पाए हैं। हम लोग जब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मीटिंग में भी बात करते थे, अपने मुद्दे रखते थे, तो जब रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना था तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसको कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, कितने सैंपल्स के बाद मशीन रन करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर्स के नाते हम सुझाव दे रहे हैं, पर जो फील्ड पे काम कर रहे थे लोग, क्या वो इसके बारे में ट्रेंड थे, क्या वो इसके बारे में तैयार थे? ये सब तैयारी करने के लिए जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत मुझे लगता है कि आज एक इस बिल के माध्यम से हम लोग इसको पूरा कर पा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए, टोटल 110, उसमें से 102 इसमें एक्सेप्ट किए गए हैं, 6 मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट किए गए हैं। जो 2 एक्सेप्ट नहीं हुए हैं उसमें से एक सुझाव ये रहा कि स्टडी आवर्स जिनके 2000 घंटों से कम हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत सम्मिलित करना है, जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और मैं विश्वस्त हूँ कि संबंधित मंत्रालय इसका सकारात्मक विचार करेगा। इस बिल की ज़रूरत इन सब चीज़ों के लिए थी क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी की जो कमी थी वो इस बिल के माध्यम से पूरी हो रही है, जिससे इन सब के काम में एक सुसूत्रता तो आएगी ही, लेकिन 56 व्यवसायों के सहित 10 प्रमुख पेशेवर श्रेणियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो आने वाले काम समय में हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। सर, इसमें सर्विसेज और स्टडीज के स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन जो है इन प्रोफेशनल्स का, उसका भी प्रावधान है, जो इन प्रोफेशनल्स को ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिलवाता है, उनको एक डिग्निफाइड आइडेंटिटी भी दिलाता है, और साथ ही साथ सभी व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मानक के वर्गीकरण ISCO 08 के अनुसार कोडिंग भी करा जा रहा है, जिसके माध्यम से जो लोग हमारे देश में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे देश में काम करते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का उपयोग करके अपनी आजीविका को हासिल करने का एक मौका इससे प्राप्त होगा और देश विदेश में अपने लोग सेवाएं दे पाएंगे।
हमारे विदेश मंत्री ऑनरेबल जयशंकर जी ने कहा कि जहां दुनिया एक देश को वायरस देने वाला देश की तरह देख रही है, वहीं पे भारत देश को एक सारी हेल्थ सुविधाएं देने वाला, वैक्सीन की निर्मिति करने वाला देश के तौर पे आज दुनिया हमारी तरफ देखती है। हमारे डॉक्टर्स पहले से भी दुनिया भर में अच्छा काम करते रहे सर, ये आज ILO और ISCO के कोडिंग के बाद हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी दुनिया भर में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अच्छा लगता है कि ये लोग हमारे देश का नाम दुनिया में जाके रोशन करें, पर ऐसा ना हो कि उनको वहाँ इतने अट्रैक्टिव पैकेजेस मिल जाते हैं कि लोग हमारे देश में काम करने की बजाय बाहर जाके काम करना ज़्यादा पसंद करें, तो उनके लिए कोई अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस का भी प्रावधान आने वाले समय में मैं मंत्री महोदय से विनती करना चाहती हूँ कि ये ज़रूर इस पर काम करें। इस मुद्दे का मैं निजी तौर पे बहुत ज़्यादा समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और रिलेटिवली पिछड़ा हिस्सा है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो ऐसी पढ़ाई करके विदेश में जा कर के अपनी आजीविका हासिल कर सके, अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। किसानों के बच्चे इसमें आगे आ सकते हैं, गन्ने के खेत में काम करने वाले मजदूर के बच्चे इसमें आ सकते हैं। हम तो हमेशा अकाल से जूझते रहने वाले क्षेत्र हैं, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं समझती हूँ कि इसके माध्यम से बहुत लोगों को आज जॉब की भी एक गारंटी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस खोलना, बहुत सारे मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को सिर्फ पास करके बाहर लाना ये सिर्फ एम नहीं है, तो उनकी प्रैक्टिस को रिकग्निशन दिलाना ये भी मुझे लगता है कि बहुत एक आज समय की ज़रूरत है। सर वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, एलोपैथी की डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टरों की बात करना तो मेरा उत्तरदायित्व है ही, पर आज इस असंगठित क्षेत्र के व्यवसायियों के बारे में, इन कर्मचारियों के बारे में, उनके विषय के बारे में मुझे बात करने का अवसर मिला, इसमें मैं अपना गौरव समझती हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी सर, पर मुझे लगता है कि इस बिल का टाइमिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि हम जहाँ कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं आज के प्रेजेंट समय में भी, आने वाले काल में भी हम लोग जो हमारे देश की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो आने वाले कोई भी पैंडेमिक का सामना करने के लिए तैयार होंगी। जो पैंडेमिक का सामना करने की हम बात करते हैं तो सिर्फ डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डॉक्टर्स के साथ काम करने वाले ये पैरामेडिकल या अलाइड जो प्रोफेशनल्स हैं ये भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्वच्छता कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ये वही प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका पहले वैक्सीन पे हक बने, इसलिए ना टीका खुद पहले लगवाया ना अपने सांसदों को लगवाया, इन्होंने फ्रंटलाइन हेल्थ वॉरियर्स को जो है टीकाकरण में प्राथमिकता दी। यह उनका बड़प्पन और दूर की सोच दिखाता है, तो ऐसे नेतृत्व में ही आज ये अलाइड प्रोफेशनल जो हैं उनको न्याय मिलने की हम उम्मीद कर सकते हैं, और उनके लिए अच्छे दिन आने की उम्मीद करते हुए मैं अब इस बिल को अपना समर्थन देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी।